सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? तो लीजिए, आज फिर उसी का सीरीज के जो हम लोग बात किए थे पिछली क्लास में, सिनोनिम पर हम लोग काम किए थे, बहुत बेहतरीन सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिर आज उसी के हम बात करने वाले हैं आज इस लेक्चर में। तो गौर करना है कि जिस तरह से हमने पिछली चीज़ों में पांच चीज़ों का हमने सीखने का काम किया था एक एक चीज़ पर, तो आज फिर उसी के लिए एक और नया चीज़ हमारे साइनो ग्रुप में जुड़ता हुआ नज़र, अब आपकी कुछ ही पल में जुड़ता हुआ नज़र आएगा। तो पहला चीज़ हमारे सामने देखना है, तो चलिए देखिए आपके सामने एक साइनो के रूप में आपकी स्क्रीन पे जुट गया है। तो पहले एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल ये एग्जाम का चीज से लिया गया है और आपके लिए बहुत जरूरी है। तो क्या कहता है, पढ़ने का प्रयास करते हैं, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ इनसेंस्ड। अब इनसेंस्ड कह देने से क्या समझ में आता है, समझना इस बात को है कि इनसेंस्ड कहने से समझ में आता है कि या तो आप चाहते हैं किसी को आप नाराज कर देते हैं, ठीक है, यानी नाराज कर देते हैं, यानी नाराज करना हुआ, या आप किसी को क्रोधित कर देते हैं, ठीक है, क्रोधित करना। मतलब कहने का मतलब है कि जब आप किसी इंसान से बात करते हैं, आपकी बातों से सामने वाले की कुछ बातों आपके लिए वो पसंद नहीं आया, यानी आपके बात से उसने इंसान आपकी बात को लेकर के दिल पे ले, यानी वो नाराज़ हो गया, और नाराज़ हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी गलत हुई जी। यानी इंसेंस कह देने से क्या समझ में आता है, नाराज करना या क्रोधित करना। तो अब इसी वर्ड को इसी साइनिक रूप में अगर दूसरे साइनिक रूप में हमको बोलना होगा, इसी सेम बातों के एक दूसरे साइनिक रूप में बोलना होगा तो क्या हो सकता है, तो हमारे सामने चार ऑप्शन दे दिया जाता है इस खेल को समझने के लिए। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने बोलता है इंथुस्ड। तो इंथुस्ड कहने से मतलब हो कि जोश से भरा हुआ, ठीक है, मतलब एक तरह से उमंग से भरा हुआ, यानी इसको जोश से भरा हुआ बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका मीनिंग हम निकालने काम की इंथुस्ड, इंथुस्ड कह देने से क्या समझता है, जोश से भरा हुआ। बढ़ते हैं अगले चीज पे, तो बोलता है इनफ्लेम्ड। इनफ्लेम्ड का भी मतलब हमारा वही होता है, आप किसी चीज़ से उमंग में होते हैं, जोश से भरते हैं, आप खुशी से भरे हुए होते हैं, इसका भी मतलब हमारा क्या हुआ, उमंग से भरा हुआ, ठीक है, उमंग से भरा हुआ, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले, तीसरे हमारा सी ऑप्शन में बोलता है इनरेज्ड। अब इनरेज्ड कह देने से क्या समझ में आता है, जिस तरह से हमने समझ में किया इनसेस्ट कहने से समझ में नाराज करना या क्रोधित करना, उसी की चर्चा इनरेज्ड में हमारी मिटती हुई नजर आ रही है कि इनरेज्ड कह देने से ही समझ में आता है या आप किसी इंसान को नाराज करते हैं या किसी इंसान को आप बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी हमारा राइट आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन हुआ, क्या हुआ, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हुआ। यानी अगर हम आंसर लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, सी हमारा राइट आंसर हुआ। और एक और बढ़ते हैं हमारे सामने अगले एग्जांपल में डिनाई। तो डिनाई कह देने से क्या समझ में आता है, किसी चीज को आप इनकार करते हैं, क्या करते हैं, इनकार करना, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो पहला हमने क्या सीखा कि इंसिस्ट कह देने से समझ में आता है कि अगर इसी की दूसरी बात हम साइनों के रूप में बोलना चाहे तो इनरेज कह देना ही हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं आगे, तो देखना है अब आगे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे सामने दूसरा चीज़ हमारे सामने जुड़ गया है साइनोनिम के रूप में, क्या बोलता है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ अवेस। अवेस कह देने से क्या समझ में आता है, इसका अगर हम हिंदी निकालने का कोशिश करें तो इसका हिंदी होता है शर्मिंदगी, क्या होता है, शर्मिंदगी, या किसी चीज़ को आप लज्जित करते हैं, क्या करते हैं, लज्जित करते हैं। तो आप इस कंडीशन में अवेस कह देने से क्या समझ में आता है कि किसी इंसान को आप शर्मिंदगी ज़्यादा कर देते हैं या किसी बातों से आप सामने वालों को बहुत ज़्यादा लज्जित कर देते हैं। तो इसी बात को अगर हम दूसरे साइनोनिम के रूप में बोलना चाहें तो क्या हो सकता है, तो हमारे लिए चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो पहला एग्जाम पर गौर करना है, पहला ऑप्शन गौर कर कहता है इनकरेज, क्या होता है, इनकरेज। तो इनकरेज का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ावा देना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, जब कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता तो आप उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, यानी वो इंसान आगे बढ़ने का काम करे तो आप उसकी बढ़ावा देते हैं, उसकी चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। तो इस कंडीशन में इनकरेज कर देने से क्या समझ में आता है, बढ़ावा देना, क्या होता है, बढ़ावा देना, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो बढ़ते अगले चीज में इंड, ये तो अब मालूम है कि इंड मतलब होता है एक चीज समाप्त, क्या होता है, समाप्त। और इसी की एक चीज और जान लीजिए कि आ से एक और इंड का मतलब होता है स्वार्थ, क्या होता है, स्वार्थ। यानी इंड से कह देने समय तो समाप्त तो हम बचपन से जानते हैं, लेकिन इंड का मतलब एक और चीज होता है हमारा स्वार्थ, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। फिर हमारे बढ़ते हैं कन्फाउंड की, तो कन्फाउंड कह देने से समझ में आता है कि या तो किसी को आप शर्मिंद कर देते हैं, ठीक है, या सो किसी को शर्मिंदगी कर देते हैं या किसी को आप लज्जित कर देते हैं, क्या करते हैं, लज्जित कर देते हैं। तो इस कंडीशन में कन्फर्म हमारा राइट आंसर मिला, यानी हमारा राइट आंसर क्या हुआ इसमें,
सी ऑप्शन में हमारा राइट आंसर मिल गया। यानी एबेस की बात अगर हम दूसरे वर्ड में साइनिक रूप में बोलना चाहें तो कन्फाउंड कहते ना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो कोई दिक्कत हमारी अभी तक होने वाली नहीं है। एक और हमारा एग्जाम्पल बच गया है वर्ड के तौर पर, तो एंट्री का मतलब समझ में आते हैं। ये एंट्री कह देने से क्या समझ में आता है? प्रवेश। क्या होता है? प्रवेश। आप कहीं एंट्री लेने जाते हैं किसी भी चीज़ में, ओकेजन में, तो वहाँ पे एक लिखा जाता है एंट्री गेट। तो इस कंडीशन में एंट्री हमारा क्या क्या समझता है? प्रवेश। तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो बढ़ते आगे तो देखना। तो चलिए देखिए, अभी हम लोग दो तरह से जो हमने सिनोनिम रूप पे काम किया, बहुत बेहतर तरीके से समझने का काम किया, तो अब हमारे सामने सिनोनिम के रूप में एक तीसरा चीज़ हमारे सामने जुड़ गया है। तो पढ़ने का प्रयास करते और समझने का प्रयास तो बिल्कुल करेंगे। तो बोलता है चस्टाइज। क्या मतलब? चस्टाइज। अब चस्टाइज कह देने से क्या समझ में आता है? अगर इसकी हिंदी हम निकालने का कोशिश करें तो चस्टाइज कह देने से समझ में आता है या तो किसी इंसान को आप डांटते हैं, ठीक है, किसी इंसान को आप डांटते हैं, या तो आप उसको फटकारते हैं, ठीक है। मतलब चस्टाइज कह देने से क्या समझ में आता है? किसी भी इंसान को या तो आप डांटने का काम करते हैं या किसी को फटकारते हैं, एक तरह से धिकारना भी बोल सकते हैं। तो उसकी मीनिंग हमारी क्या निकली? चस्टाइज कह देने से डांटना या फटकारना। ये तो हमारा सिनोनिम के रूप में आया। अगर इसी बात को हम दूसरे वर्ड में सिनोनिम के बोलना चाहें तो क्या हो सकता है? तो हमारे सामने चार ऑप्शन आपके नजरिया के लिए दिया गया। तो पहला हम पर गौर करना है। बोलता है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब क्या समझ में आता है? आपको समझना है किसी भी चीज़ के लिए आप प्रोत्साहित करते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। कोई अच्छी चीज़ के लिए आप उसको प्रोत्साहित करते हैं, यानी स्टिमुलेट कह देने से ज़्यादा अर्थ होगा। तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। फिर हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो बोलते हैं अप्रूव। अप्रूव कहने से क्या समझ में आता है? जब कोई सरकारी कागज दस्तावेज, जब उसको आप प्रूफ करने के लिए जाओगे, आगे बढ़ाने के लिए कोई चीज़ का मुहर लगाना होता है, तभी वो काम आपके आगे बढ़ेगा। यानी वहाँ पे एक अप्रूव कह देने से क्या समझ में आता है? किसी चीज़ पर मुहर लगाना। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि किसी चीज़ पर मुहर लगाना। तो हमारा अप्रूव का मतलब क्या हुआ जी? किसी चीज़ पर मुहर लगाना। तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। फिर बढ़ते अगले चीज़ पे। हमारा सी ऑप्शन क्या बोलता है? एडमोनिस। क्या बोलता है? एडमोनिस। अब एडमोनिस कह देने समझ में आता है, इसकी हिंदी अगर हम निकालने का कोशिश करें या तो इसको होता है डांटना या तो इसको होता है फटकारना। क्या होता है? फटकारना। अब हमारा आंसर मिल चुका है। क्या हो गया है? आंसर मिल चुका है। यानी चेस्टिस की बातें अगर हम एडमोनिस में कहें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यानी राइट आंसर हमारा क्या हुआ जी? सी ऑप्शन। ठीक है, तो एक और ऑप्शन आपके लिए बच गया है, तो इस पर भी गौर कर लेते हैं। तो इंटेंगल मतलब क्या समझ में आता है? मिलना या घुलाना। किसी चीज़ पर आपस में मिलजुल कर घुल मिल कर रहते हैं, यानी इस कंडीशन में क्या होता है? इंटेंगल। यानी इसका मीनिंग हमारा क्या हुआ? मिलना या घुलना। तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली अभी तक नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझ रहे हो बहुत बेहतर तरीके से। तो बढ़ते आगे तो देखना है। तो चलिए देखिए, हमारे सामने सिनोनिम रूप में चौथा चीज़ हमारे सामने आपके रूप में जुड़ चुका है आपकी स्क्रीन पे। तो एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं क्या लिखा है। एस्टेस। पढ़ने का प्रयास किया हमने तो क्या समझ में आता है? एस्टेस। अब अगर इसकी हिंदी हम निकालने का कोशिश करें, तो क्या होता है? कोई चीज़ आप लाइफ में, आप आपके जो पर्सनल चीज़ होती है आप उसको छुपा कर रखना चाहते हैं, मतलब आपकी जो चीज़ें उसकी जानकारी सिर्फ आपको होती है, तो कुछ ऐसा जगह ढूंढते हैं जो सिर्फ उसकी जानकारी सिर्फ आप ही होती है। यानी उस जगह को जो हम नाम देने का काम करेंगे क्या होगा? एस्टेस। यानी आप यहाँ पर बोल सकते हैं किसी चीज़ को छुपाना। ठीक है, किसी चीज़ को छुपाना जिसकी जानकारी सिर्फ आप ही होती है, यानी उस जगह को हम एस्टेस बोल सकते हैं। जब हमने सिनोनिम के रूप में काम किया एस्टेस, अब इसी के दूसरे वर्ड में हम सिनोनिम रूप में बोलना चाहें तो क्या हो सकता है? तो हमारे सामने चार ऑप्शन तैयार किए गए आपके लिए। तो देखना, पहला ऑप्शन क्या बोलता है? एनल्स। एनल्स का कह देने से समझ में आता है आपका इतिहास। क्या होता है? इतिहास। तो इतिहास तो आप समझ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे साथ। बढ़ते अगले चीज जानपुर में। तो बी ऑप्शन बोलता है कैच। क्या बोलता है? कैच। यानी कैच कह देने से आप समझ में आ जाता है कि इसकी भी चीज हमारी हो जाती है किसी चीज को छुपाना। क्या होता है? किसी चीज को छुपाना। यानी एस्टेस की बातें हमारी कैच में मिल गई। यानी अगर हम राइट आंसर देना चाहें तो क्या हो सकता है? राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसी के सिनोनिम रूप में हम दूसरे वर्ड में बोलना चाहें साइनिक रूप में, तो क्या हुआ? कैच। यानी कैच का ही मतलब क्या हो? किसी चीज को छुपाना। तो बढ़ते अगले चीज पर। तो सी ऑप्शन बोलता है हमारा एंगर। तो एंगर का मतलब तो समझते हैं नॉर्मली है नाराज। क्या होता है? नाराज। तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। फिर हम बढ़ते हैं अगले चीज में डी ऑप्शन में। तो बोलते हैं ऑस्पिशियस। क्या बोलता है? ऑस्पिशियस। तो ऑस्पिशियस मोमेंट, ऑस्पिशियस चीज आप बोलते हैं शुभ चीज, शुभ क्षण आपके लाइफ में होता है, तो यहां पे आप बोल सकते हैं शुभ
क्या बोल सकते हैं? शुभ। कोई दिक्कत हमारी वाणी लेनी, यानी ऑस्पिशियस कह देने से क्या समझते हैं? आपके लाइफ में जब कोई अच्छा चीज होता है तब बोलते हैं ऑस्पिशियस मोमेंट, तो उसी को व्यक्त करने के लिए, उसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑस्पिशियस बोल सकते हैं, यानी शुभ बोल सकते हैं। तो कोई दिक्कत हमारी वाणी नहीं है, तो बढ़ते आगे तो देखना है। तो अंतिम चीज हमारे सामने आपके समझने के लिए, पांचवा चीज हमारे सामने सिनोनिम के रूप में आपके लिए बहुत बेहतर वर्ड जुड़ चुका है, बहुत बेहतरीन चीज है, तो इसका हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए पढ़ते हैं। तो बोलता है कॉन्ट्राइट। क्या बोलता है? कॉन्ट्राइट। तो कॉन्ट्राइट कह देने से क्या समझ में आता है? गौर करना इस बात को है, आप इसकी हिंदी जानते होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आज हम लोग सीखने का काम करें तो सीख ही लेते हैं। तो कॉन्ट्राइट कह देने से समझ में आता है आप किसी भी चीज की अब नाराजगी, मतलब किसी भी चीज को नाराजगी व्यक्त करते हैं आप, मतलब आप कुछ किसको पछतावा, क्या होता है? पछतावा, पछतावा महसूस करना, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं, या दुख, दुखी होना। अब यहाँ पे पछतावा महसूस करना, दुखी होना क्या सेंस बनता है? क्योंकि इसकी भी कुछ जानी पहचान अभी सिनोनिम ग्रुप में आता, तो थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पे। आप जब कोई काम शुरुआत में करते हैं, आपके सामने जो चीज़ होती है आप सोचते हैं बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आपके हिसाब से वो आपके दूसरे हिसाब से गलत होता है। आप आगे चलकर उसकी महसूस आपको होती है, जब आप उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं तो आप वहाँ पे एक पछतावा होता है कि मैंने ये काम क्यों छोड़ दिया, क्यों ऐसा काम किया। तो यहाँ पे पछतावा महसूस करना या दुखी होना, तो कॉन्ट्राइट कह देने से समझ हमारा वही हुआ। अब इसी को हम दूसरा सिनोनिम रूप में बोलना चाहें तो क्या हो सकता है? तो पेंटिनेट कह देने से समझ में आता है हमारा, फिर हमारी वही हुई, इसका भी मतलब होता है पछतावा। क्या होता है? पछतावा, या तो दुखी होना। तो हमारी बात जो है मिली गई है कि कॉन्ट्राइट की सिनोनिम रूप में, अगर दूसरे वर्ड में हम सिनोनिम रूप में बोलना चाहें तो पेंटिनेट बोल सकते हैं। यानी हमारा राइट आंसर क्या हुआ जी? राइट आंसर हमारा ए हुआ, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हुआ। बढ़ते अगले चीज पे। तो एंड का मतलब आपको मालूम है, समाप्त करना। क्या होता है? समाप्त होना। ठीक है, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। फिर बातें हैं मिलियन। तो मिलियन समझ में आता है, यहाँ पे संख्या का बोध होता है, 10 लाख इसको बोल सकते हैं, 10 लाख। आप सोचेंगे किसी एग्जाम में 10 लाख बोल दिया जाता है, तो आपको मालूम है, आपको नाउन के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, लाख, मिलियन, बिलियन, थाउजेंड, हंड्रेड, इस सभी में एस नहीं लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनमें प्लूरल का सेंस छुपा हुआ है, तो अलग से एस लगा के नहीं करना। तो हमारे लिए जानकारी अभी भी मिल गई। तो बढ़ते आगे हमारे सामने इंक्लूड। इंक्लूड क्या समझना है? किसी चीज़ को शामिल करना, किसी भी चीज़ को उस रूप में शामिल करना। तो इंक्लूड का मतलब क्या समझ में आता है? शामिल करना। क्या होता है? या तो शामिल होना या शामिल करना। तो हमारे सामने जितने भी ऑप्शन थे मैं एक एक चीज़ पे आपके साथ मिलकर डिस्कस किया, तो हमारी होने वाली कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। तो आज जो हमने जो चीज़ें आपके साथ, पांच सिनोनिम आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से सीखने काम किया, ये बिल्कुल एग्जाम के नजरिया से लिया गया, जैसे बात कर एसएससी या बैंकिंग की, ये जितने भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपकी जो सीरीज चल रही है ये बिल्कुल एग्जाम से लिया गया, तो आप इसको कभी इग्नोर नहीं करें, बस आप इसको घर में देखें और अपने चीज़ों का हर के साथ शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, लोगों के साथ बताएं। ये चीज़ें आपको जो सीरीज हम लेके आ रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से, जो हमने आज हम पांच वर्ड पे सीखा, तो हमारे से कोई दिक्कत होने वाली है। तो चलिए आज इस कहानी को मैं आपके साथ मिलकर यहीं रोकता हूँ, फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए चीज़ों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।